सो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम खेलने वाले एक बहुत ही हॉरेबल गेम, और हम बहुत ही हॉरेबल गेम जो हमेशा की तरह हम खेलते हैं, और ये वाला गेम जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। ये वाला जो गेम होने वाला है काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि काफ़ी हार्ड है इसको खेलना। एक मिनट, मैं इसकी साउंड कम कर देता हूँ। तो इस गेम को खेलना काफ़ी हार्ड है, और इसकी स्टोरी बेस्ड है, मतलब एक जो है स्टोरी के ऊपर इस गेम को बनाया गया है। और पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, बाद में जो है गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टोरी कुछ ये है कि मैं जो है गेम का कैरेक्टर रहूँगा एक लड़की, और मेरी सिस्टर जो होती है वो एक दूसरे घर में रहती है, और मैंने उसके साथ 10 साल से बात नहीं की थी, और अचानक से मेरे पास जो उसका लेटर आता है और वो कहती है मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर तो मेरी सिस्टर ने 10 साल से मुझे बात नहीं की है, और जितना कि मुझे पता है उसकी मम्मी की डेथ होने के बाद जो है वो डिप्रेस्ड हो गई थी। तो उसका लेटर पढ़ के मैं फटाफट से उसके पास जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो घर में जाने के बाद कुछ अलग ही सीन होने लगते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डरावने सीन भी होने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो है सामने दिखा दूंगा। तो बिना किसी देरी के जो है गेम को स्टार्ट करते हैं। तो ये है भाई इंट्रो जो कि मैं आपको बता रहा था। अभी जो है ये लड़की का सपना चल रहा है, तो इसको भाई मैं करने वाला हूँ स्किप, क्योंकि लड़की यहाँ पर सपना देखती है काफ़ी डरावना। ये देखिए अभी सपने से उठ चुकी है, और यहाँ पर भाई कोई तो भी डोर खटखटा रहा है। तो डोर पर कोई है ये चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो चलते हैं डोर की तरफ। पहले मैं यहाँ की लाइट जला लेता हूँ, काफ़ी अंधेरा है। तो भाई हमें इस तरफ जाना है, गेट इस तरफ है। मुझे लगता है बाहर कोई भूत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, इसको लगा लूँगा पहले, और अब मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ, क्योंकि अगर कोई होगा तो हम बच जाएंगे। अच्छा भाई, ये एक लेटर वाला है, ठीक है, ये हमारे पास लेटर पहुँचाने आए हैं, तो हम इसको पहले साइन दे देते हैं। तो ये हमें किसी एड्रेस पर बुला रही है और कह रहे हैं तुम भी खतरे में हो, और मैं अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ और मेरी मम्मी के बारे में। I didn't hear from her for almost 10 years. तो जहाँ पर हमें एड्रेस दिया गया है हम उस लोकेशन पे अभी चलते हैं। We were very close with my sister. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. It was almost 10 years ago, and I have never heard from her again. What could have happened to her? ये देखो भाई, असली गेम की शुरुआत हो चुकी है। तो यही है वो हाउस जिसे हमें जिसके पास हमें आना था। तो हाउस का गेट है, और ये भाई बंद है। यहाँ पर कुछ लकड़ी के टुकड़े लगे हुए, और इसे मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लू ढूंढना है इस घर के अंदर जाने का। तो मैं देखता हूँ यहाँ क्या क्या है। पहले तो यहाँ पर भाई खाली बॉक्सेस पड़े हैं, देखता हूँ मैं इनके अंदर हमें क्या मिलता है। भाई यहाँ एक लकड़ी पड़ी है, तो यहाँ पर कुछ हमें क्लू मिला है जो कि हमें आगे काम आएगा। सारे बॉक्सेस में खोल चुका हूँ, और अभी हम चलते हैं इस लकड़ी से दरवाजे को खोलने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लकड़ी को यूज़ करता हूँ। चलो भाई, हमने इस दरवाजे को तो खोल लिया, पर आगे
फाइंड द सेवन मॉस्केट पीसेस, तो हमें 7 पीसेस ढूंढने हैं यहाँ पर, तो ये रहे। यहाँ पर हमने 7 पीसेस ढूंढ चुके और इसका काम होगा मेरे ख्याल से लेटर बॉक्स के पास। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमें वो सारे पीसेस जोड़ने हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पर पजल बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारी पजल पूरी हो चुकी है, इसमें से भाई लेटर्स गिर गए। ये देखो, ये सारे काफ़ी पुराने लेटर्स दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर हमें की मिल चुकी है, ये की शायद इस दरवाजे को खोलने के लिए, तो मैं की का यूज़ करके फटाफट से दरवाजे को खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये सामने घर है जिसमें हमें जाना है, और यहाँ पर कुछ दिख रहा है मुझे, एक डॉल बैठी है। अच्छा, तो ये डॉल हमारे जो है हिंट के काम में आने वाली है। और यहाँ पर एक कैंडल है और एक ग्लव्स है। तो चलो हम आगे घर के तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर तो गेट खुला हुआ है भाई। भाई जैसे ही मैं घर के अंदर जाने वाला था, गेट बंद हो चुका है और ये अंदर से लॉक हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हमें इस लकड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखिए गाइस, तो मैंने लकड़ी से शीशा तोड़कर अंदर घुस चुका, वो सामने कोई दिख रहा है मुझे। यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइट ऑन करने का बटन, ये देखिए भाई, मुझे पक्का लगा सामने कोई डायन है। पर यहाँ पर ये देखो भाई, कपड़े लगे हुए हैं। तो इस कमरे में देखते हैं हमारे लिए क्या क्या आइटम जो है काम आता है। यहाँ पर एक आई एम्बल, यहाँ पर आई एम्बल पड़ा है, और मैं देखता हूँ उसके पास क्या है। तो भाई इसके जेब में एक टुकड़ा पड़ा था, पर अभी हमें करना क्या है? यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, इसमें हॉस्पिटल के बारे में कुछ लिखा है, इसे हम नहीं खोल पा रहे हैं। तो इस बक्से को जो हम हाथों से नहीं खोल सकते, तो इस बक्से को शायद से खोलने के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें लगेंगी हमें। मैं चलता हूँ इस तरफ, इस रूम में ही क्या देखते हैं भाई। यहाँ पर मेरे सिस्टर का फोटो लगा हुआ है, और फोटो के पीछे मुझे मिल चुकी है की। यहाँ पर भाई ये की यूज़ करनी है हमें, यहाँ का गेट खुल चुका है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। ओ भाई, ये कमरे की हालत तो बहुत ख़राब है पूरी। देखो भाई, टीवी पर हथौड़ा किसने मारा? तो यहाँ पर ये मिल चुका है मुझे एक स्क्रू ड्राइवर, ये किसी का फेस दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर देखते हैं और क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बक्सा पड़ा है जिसमें से छन्नी मिली, और ये ब्रश मिल चुका है। तो इस ब्रश का काम हमें यहाँ पड़ने वाला है, मैंने यहाँ पर पढ़ा था। ओह भाई, यहाँ पर एक फेस है जिसके अंदर एक हथौड़ा। अब हथौड़े से इस शीशे को तोड़ना है। अगर आप ऐसे हॉरर गेम खेलते हो तो भाई ये गेम आपके लिए थोड़ा इजी होने वाला है, और अगर आपको आदत नहीं है इस तरह के गेम खेलने की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। इस बॉटल का क्या काम है? इसमें कुछ चमक रहा है। मैं इस बॉटल को भी हथौड़े से तोड़ कर देखता हूँ। क्लीन इट फर्स्ट, तो हमें क्लीन करना होगा इसको पहले। इसके अंदर है स्क्रूस। तो यहाँ पर हमें कुछ स्क्रूस मिले, और इसको भी शायद ब्रश से क्लियर करना पड़ेगा पहले।
और इसके अंदर क्या है, आई शॉल फाइंड द थ्री मशीन स्क्रू। तो यहाँ पर मेरे को स्क्रू लगाने होंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना होगा। अब जो हम इसे खोल सकते हैं और हमें मिल चुकी है एक और की। इस की का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है चलिए देखते हैं। तो भाई यहाँ पर एक वॉच पड़ी है जिसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है और ये टूटी है पूरी वॉच, इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ। तो हम चलते हैं टीवी के पास, यहाँ भी नहीं कर सकते कुछ भी। हम चलते भी भाई। तो ये यहाँ पर लकड़ी का एक टुकड़ा मिला मुझे, यहाँ से तो हमने सारी चीज़ें ले ली, पर भाई ये देखो ये शायद से कि इसमें लगेगी। ये देखो भाई इसके तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या है, हमें मिल चुके एक स्केल, रूलर मिल चुका है हमें यहाँ पर, और इस तरफ भी कुछ चमक रहा है। मैं इसको रूलर से खोलने का ट्राई करता हूँ। ये देखो भाई खुल चुका है, यहाँ पर पड़ा एक कटर और एक फ्यूज। देखता हूँ इस कटर से हम निकाल पाते हैं क्या नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी इस तरफ और देखते हैं, हमें शायद से यहाँ पर चार लकड़ियाँ ढूँढनी है, क्योंकि देखिए एक मिल चुकी है हमें और बाकी की ढूँढनी है। ओ यहाँ पर एक स्विच है, इसे ऑन करके देखता हूँ। ये देखो भाई सड़ चुका है। तो शायद हमें जो फ्यूज़ मिला था ये वाला, वो यहाँ काम आने वाला है। मैं काम करता हूँ भाई, इस फ्यूज़ को निकालता हूँ और इसको लगा देता हूँ। को भाई ऑन करा तो वो बंद हो गया। अब चारों को साथ में ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चारों ऑन हो चुके हैं और अभी मैं देखता हूँ लाइट ऑन करके। भाई यहाँ पर लाइट चल चुकी है, यहाँ पर हमें दो लकड़ियाँ मिल गई और अभी दो और चाहिए। ये क्या है, यहाँ पर लाइट चल रही है। पहले रेडियो बजा, उसके बाद कुछ उसने बोला। भाई यहाँ पर गलत सीन हो रहे हैं, मैं जाता हूँ दूसरे कमरे में। भाई अंदर कोई है, शायद इस कमरे के कोई अंदर है, हम बिल्कुल नहीं खोलने वाले इस कमरे को। हम चलते हैं भाई किचन के तरफ, किचन में मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर एक फ्रिज पड़ा है। अच्छा ये जो है टेप पट्टी से बंधा हुआ है, तो इसको मैं काट देखता हूँ। देखो भाई टेप पट्टी हमने काट ली और यहाँ पर भाई एक बल्ब मिला और कह रहा है यहाँ पर स्पाइडर का जो है वेब से उठे हटाना पड़ेगा। और देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। चाहिए हमारे काम में आएगा। चलो हम फ्रिज से थोड़ा दूर चलते हैं और यहाँ देखते हैं बाकी में क्या है। ये एक और लकड़ी मिल चुकी है हमें, उसके अंदर कुछ है। हाँ ये देखिए कॉइन पड़ा हुआ है। यहाँ जो जो भी मिलता है मैं रख लेता हूँ पहले, ये ग्लव्स मिले। भाई ग्लव्स का यूज़ करके निकालना तो नहीं कुछ।
यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है, एक पेंसिल मिली यहाँ पे, और ये बॉक्स को क्या हम खोल सकते हैं? नहीं, फिलहाल मैं इस बॉक्स को नहीं खोल सकता हूँ, शायद मुझे चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम किचन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और कमरा है, ये शायद से मेरे यार से कोई मेकअप रूम है, पर भाई दिखने में बहुत घटिया, यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ एक और लकड़ी पड़ी है, इसे मैं उठा देता हूँ। मेरे पास अभी हो चुकी है 4 लकड़ी। यहाँ एक फ़ोटो है, मिस्सी होली। तो ये वाली मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर, इनके बचपन के फ़ोटो ही डरावने। यहाँ कुछ स्क्रूज पड़े हैं, द ग्लास वे टू डर्टीन टू सी इन साइट। यहाँ पर मुझे ग्लास क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है जिसे मैं ऐसे नहीं खोल सकता हूँ। और ये भी गेट यहाँ से बंद है। ऊपर से मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ क्या ढूंढना है। तो अभी हम चलते हैं इस वाले रूम में, और ये टीवी के पास से शायद मुझे हथौड़ा निकालना पड़ेगा, और मेरे पास निकालने के लिए ये ग्लव्स है, रबर के ग्लव्स, इससे मुझे शॉक नहीं लगेगा। ओ भाई, टीवी में खुद को देखता रहा, हमारे पीछे गायब। तो हमें एक हथौड़ा मिल चुका है और काफ़ी डरावनी डायन थी जो हमारे पीछे थी। यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता हूँ। अभी हमें चलना है इस वाले रूम में, और यहाँ पर एक बल्ब की ज़रूरत है। मैं ये वाला बल्ब यहाँ लगा कर देखता हूँ। बल्ब तो लग गया, पर जलेगा कैसे? साया पर हमें ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर से देखिए भाई, सीढ़ियाँ टूटी हुई है, तो अभी यहाँ पर लकड़ियाँ काम में आएंगी, प्लैंक्स। यहाँ पर ये स्क्रू लगाने होंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा काम में आएगा। अभी हमारे लिए सीढ़ियाँ बन चुकी है, और ये हमारे ऊपर जाने के काम आएगा। अच्छा हुआ भाई यहाँ पर कम से कम लाइट लगी हुई है, नहीं तो काफ़ी हालत ख़राब है इस ऊपर वाले कमरे की भी। यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, ये एक कॉइन मेरे पास है, टोटल मेरे पास 2 हो गया। यहाँ पर एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो मेरे ग्रैंडमा ने खींची थी, और चारों फैमिली मेंबर नीचे ही थे, तो ऊपर में इनको कौन देखा, ये 5th फ्लोर पर, मतलब 2nd फ्लोर पर, जहाँ की कोई रहता भी नहीं था, और वो रूम लॉक था। इस तरह से भाई इसमें कुछ बताया गया, मतलब यहाँ पर ऊपर में फ़ोटो में भाई देख सकते हो, एक लड़की दिखाई दी इनको जो कि कमरा लॉक था उसमें। इस वाले कमरे में चलते हैं, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, शायद मुझे यहाँ पर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है, इसके पीछे एक लॉकर है, इसकी चाबी। शायद हमें इस कमरे से भी बाहर जाना होगा। यहाँ कुछ पड़ा है, तो देखता हूँ मैं यहाँ कॉइन लगा पाता हूँ, ये ट्राई करते हैं। ये भाई यहाँ पर लग चुका है, हमें मिली है एक टॉर्च, टॉर्च मिली हमें यहाँ से, और अभी चलते हैं हम गैलरी में।
गैलरी काफ़ी सुनसान है। यहाँ पर रेड कलर की क्लॉथ में कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ एक बक्सा है और यहाँ मुझे पता है क्या काम आएगा। ये जो हमने दो कॉइन रखे थे ये काम आएंगे। इसको मैं सेट कर लेता हूँ बराबर से। भाई सेट नहीं हो रहा। शायद ये लगेगा यार। ये एक सेट हो चुका है और यहाँ मेरे ख्याल से लगेगा ये। ये लग चुका है यहाँ। ये भी भाई लग चुका है। अब ये लास्ट वाला। अब हम इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस यहाँ पर हमें मिल चुकी है एक बैटरी। चलिए हम दूसरे रूम में चलते हैं। इस बैटरी का कहाँ काम है। और अभी भी इस रूम में कुछ ना कुछ है जो हमें फाइंड करना है। एक बार चलते हैं बैक। यहाँ पर शीशा है और ये देखिए एक प्लेयर्स पड़ा है, मतलब एक पेंचेस पड़ा है यहाँ पर। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ। अभी हमें चलना होगा इस वाले रूम में और बैटरी मेरे ख्याल से यहाँ पर लगानी होगी क्योंकि यहाँ लैंप लगा हुआ है और नीचे उसकी वायर टूटी हुई है। तो बैटरी को हम यहाँ ट्राई करते लगाने का। लग चुकी है भाई। यहाँ पर बल्ब जल चुका है और इधर में ये कुछ दिख रहा है। तो ये वही पासवर्ड है जो ऊपर हमें मांग रहा था और यहाँ पर हम कर चुके हैं नोट। अभी चलते हैं ऊपर वाले कमरे में, ये पासवर्ड ट्राई करते हैं। ये देखिए भाई ये पासवर्ड हमने नोट कर लिया था। यहाँ पर ट्राई कर देता हूँ। तो भाई ये खुल चुका है। यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है तो मैं फटाफट से जो हमारे काम का उठा लेता हूँ। एक लेटर एनवलप मिला हमें यहाँ पर और यहाँ पर पड़ा है भाई एक कटर नेल फाइल। और देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर पड़ा है। नेल फाइल को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। उसके अंदर से भाई हमें मिला एक वेट। और देखता हूँ मैं क्या क्या यहाँ यहाँ पर एक प्लेट पड़ी हुई है। तो शायद से हमें यहाँ पर रखना होगा ऐसे। ये देखो भाई यहाँ से हमें एक मिला है माचिस का डब्बा। काम करता हूँ मैं माचिस को यहाँ रख के देखता हूँ। ये रख कर देखता हूँ। तो देखो भाई हमें इस लेटर को जलाना था और भाई लेटर के अंदर से निकल चुकी है चाबी। मे बी सम वाटर टू पुल द फायर आउट। तो ये पानी यहाँ पर पड़ा है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी है मे बी सम वाटर पुल द फायर, मतलब यहाँ पर पानी डाल के हमें चाबी निकालना, ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे। ओपनर चाहिए, ओपनर यहीं कहीं पड़ा होना चाहिए। मैं फटाफट से यहाँ ओपनर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। भाई कोई भी खुलने के लिए तैयार ही नहीं है।
भाई इसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, ये देखो भाई ओपनर यहाँ ऊपर पड़ा हुआ था। मैं इसको बॉटल को खोल लेता हूँ इस ओपनर से, और इस बॉटल को डालना है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पर मिल चुकी है काफ़ी बढ़िया की, और इसका यूज़ करना है शायद से हमें यहाँ पर। भाई की कहाँ गई? की यहीं पर दिख रही है, मतलब यहाँ पर ये खोलना है हमें। यहाँ का ड्रावर खोल चुके हम, यहाँ ये चीज़ चमक रही है इसको उठा लेते हैं। और ये एक अलार्म के ऊपर का घंटी है, तो ये लगाना होगा शायद से मुझे इस अलार्म पर। भाई ये क्या हो गया, एक चमगादड़ ने जो है यहाँ पे दीवार में लगा हुआ फ़ोटो गिरा दिया। तो यहाँ सीज़र मिल चुकी है हमें, सीज़र का क्या काम हो सकता है? आई ओनली नीड अ पीस ऑफ रोप, तो मुझे इसका रस्सी का टुकड़ा यहाँ से काट लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रस्सी भी मिल चुकी है, अब हमको चलना है भाई फर्स्ट वाले रूम में जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी, और यहाँ पर रस्सी का यूज़ होने वाला है कहीं ना कहीं। ये भाई एक झाड़ू है, मैं इसको रस्सी लगा कर देखता हूँ। ये देखो भाई, तो झाड़ू ये रेडी हो चुका है, और इसका यूज़ कहाँ करना है देखते हैं। चलो भाई हमारे पेंचेस तो ये यहाँ पर काम आ गया, और यहाँ पर पड़ा है एक डस्टर, यहाँ पर स्पंज पड़ा है कुछ साफ करने के लिए, और कुछ मनी पड़ा है। अ डॉलर डजेंट इवेंट बॉय यू कॉपी दिस प्लेस, आई एम रिच जस्ट किडिंग। भाई मस्ती चल रही है। चलो अभी हमें चलना है ये किचन की तरफ, यहाँ पर हमें काम करने वाला है झाड़ू का। मैं झाड़ू यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ये देखो भाई अभी हमें मिल चुका है एक स्क्रू ड्राइवर, देखता हूँ मैं। और यहाँ एक लाइट का बटन है, किचन में हमें और भी कुछ करना है। अभी तक यहाँ पर जो है अलर्ट दिखा रहा है, मैं देखता हूँ कहाँ जाना है। ड्राई स्पंज और यहाँ चमक रहा है, इसको डाल के देखते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ड्राई स्पंज था वो भी हो चुका है गीला, और चलते हम दूसरे कमरे की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये देखिए यहाँ पर जो डर्ट लगा हुआ है इसको हमें क्लीन करना है। ये देखिए भाई क्लीन कर चुके हैं, यहाँ पर एक पासवर्ड लिखा है 1723। ये पासवर्ड हमारे कहाँ काम आएगा देखते हैं, ये पासवर्ड हमें कहाँ डालना है। तो गाइस ये रहा है एक और कमरा, और यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, शायद से यहीं पर वो पासवर्ड डालना है। डाल देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड। तो गाइस अभी यहाँ पर हमारे लिए ये वाला अलमारी खुल चुका है, और यहाँ पर पड़ा एक लॉक हैंड, और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या पड़ा है। तो इसके हमें स्क्रूज खोलना है, हमारे पास जो स्क्रू है उसकी मदद से मैं खोल लेता हूँ उसके स्क्रू। और इसके अंदर से भाई हमें मिला है कैरिज, कुछ लॉकेट जैसा लग रहा है। तो इस अलमारी का अभी और कुछ काम नहीं है, तो मैं इससे चला जाता हूँ पीछे। भाई यहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक लेटर। तो ये देखिए यहाँ पर कोई लेटर पड़ा है जो कह रहा है इस घर में और भी कोई है, मैंने देखा है, और चीज़ों को इधर उधर होते हुए देखा है, किसी के चलने की आवाज़ भी मुझे आई है। पर ये लेटर है किसका? एंड यस्टरडे आई एक्चुअली सॉ इट स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर। अच्छा इसने
उस भूत को कॉरिडोर में खड़ा हुआ देखा, पर ये लेटर किसका था भाई? उसने अपना नाम नहीं लिखा है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये एक बकेट है, ये बकेट को किस तरह से निकालूँ मैं? शायद इस बकेट को निकालने के लिए हमें कुछ गर्म चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं और देखता हूँ उस रूम में क्या है। इवन द डफर बटन इन द फ्रोजन, तो बटन भी जो है यहाँ पर जम चुका है, इसको भी हम ऑन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक लॉक है, इसको शायद स्क्रूड्राइवर से खोलना पड़ेगा। भाई यहाँ पर नवा रूम है, खुल चुका है। और ये शायद से एक बगीचा है, मतलब ये पीछे से बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है मुझे। और यहाँ टेबल पर कुछ पड़ा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर पज़ल है एक, चलो इस पज़ल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक अभी भी टुकड़ा यहाँ पर बाकी है भाई, दूसरा टुकड़ा कहाँ है? मैं इसको हटा कर देखता हूँ, शायद इसके पीछे। यहाँ पर एक पड़ा है लाइटर फ्लूइड, पजल का टुकड़ा भाई ये रहा मेरे पास ही है, जो कि मैंने फर्स्ट रूम से पॉकेट से ढूंढा था। तो इसको मैं यहाँ पर लगा कर देखता हूँ। हाँ भाई, इसका ही टुकड़ा है, कंप्लीट। और भाई गायब हो गई। यहाँ पर एक और चीज़ पड़ी है, तो मुझे भी मिला लाइटर फ्लूइड, इसका शायद काम पड़ेगा मुझे इस वाले में। तो मैं लाइटर फ्लूइड को लगा कर देखता हूँ यहाँ। नहीं भाई, ये वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक और काम बचा हुआ है, देखता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ बाहर जाने का भी रास्ता है। क्या हुआ? What has happened to the Stonehouse family? Find out if you draw. Unlock now. ओ भाई, यहाँ पर हमने जो पार्ट कंप्लीट कर लिया, बट उसके आगे का जो है वो हमें परचेस करना पड़ेगा। मतलब ये गेम यहाँ तक था, आगे का जो हमें बॉय कर यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा आगे का पार्ट। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो मैं इसको अनलॉक करके इसके आगे का भी पार्ट खेलूं, तो प्लीज़ जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और भाई, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेम के साथ में। बाय। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।